डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपकी डायरेक्ट सॉल्यूशन की यूनिट कंटिन्यू है। पिछले 9-10 वीडियोस में आपने डायरेक्ट सॉल्यूशंस के बारे में काफ़ी थ्योरी और उससे कनेक्टेड कुछ न्यूमेरिकल्स सीखे। उसी में और आगे अभी डायरेक्ट सॉल्यूशंस में थोड़ा नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सॉल्यूशंस की, उनको समझ रहे हैं। तो आपने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर ही होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मोलारिटी इनटू आरटी। मानिए हमारे पास कई सॉल्यूशन हो, एक 1 एम सक्रोज हो, 1 एम ग्लूकोज सॉल्यूशन हो, 1 एम यूरिया सॉल्यूशन हो, माने सबकी मोलारिटी इक्वल है। मानिए सब एक ही जगह रखे हुए हैं, टेम्परेचर सबका सेम है, आर कांस्टेंट है, तो इन सबकी मोलरिटी अगर सेम है तो इन सबके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि सॉल्यूशन में जो हमने सॉल्यूट है वो क्या है, वो सॉल्यूट ग्लूकोज है या सक्रोज है या यूरिया है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि इस पर डिपेंड कर रहा है कि सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है, उसमें सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं। अगर मोल्स इक्वल है इसका मतलब है उनके मालिक्यूल्स इक्वल है, इक्वल मोल्स में मालिक्यूल्स इक्वल होते हैं, जैसा कि आपको वेट्रो नंबर में पढ़ा। तो अगर सबके मोल्स इक्वल है तो सबके मालिक्यूल्स इक्वल है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि सॉल्यूशन किस चीज का है, सॉल्यूट क्या है, बल्कि इस पर डिपेंड कर रहा है कि उसमें सॉल्यूट के मालिक्यूल्स कितने हैं। तो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि सॉल्यूट क्या है, बल्कि इस पर डिपेंड करती है सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उन प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो दोस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट बट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस की चार प्रॉपर्टीज जिनके बारे में सारी डिटेल्स आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये सॉल्यूशन की चार प्रॉपर्टीज जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। एक ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये चार प्रॉपर्टीज जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कई सॉल्यूशन हो, सबकी मोलरिटी इक्वल हो, हमारे पास 1 एम सक्रोज हो, 1 एम ग्लूकोज हो, 1 एम यूरिया हो, और कुछ हो, तो इन सभी के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे, इन सभी में बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन सेम होगा। अगर इसमें बॉइलिंग पॉइंट 5 डिग्री बढ़ेगा तो इसमें भी 5 डिग्री बढ़ेगा, तो इसमें भी 5 डिग्री बढ़ेगा। सभी में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा, अगर इसमें फ्रीजिंग पॉइंट 2 डिग्री कम होगा तो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट 2 डिग्री कम होगा, इसमें भी 2 डिग्री कम होगा। इसी तरह सभी में वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग है और रिलेटिव लोअरिंग है वो इन सभी में सेम होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो है वो कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, बल्कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं उनके नंबर पर डिपेंड करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसी से ही कनेक्टेड पढ़ाई और आगे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर कॉलिगेटिव वैल्यूज तो जो कुछ अभी आपने पढ़ा उसी सीरियल में हम कहें हमारे पास एक 1 एम NaCl का सॉल्यूशन है, तो जो मोलरिटी इनकी वही मोलरिटी NaCl के सॉल्यूशन की। जो कुछ अभी पढ़ा उसके रिगार्डिंग जो ऑस्मोटिक प्रेशर इनका भाई इसका होना चाहिए, लेकिन NaCl के सॉल्यूशन में सारी कॉरिगेटिव वैल्यूज
यूरिया से ज्यादा होती है। अगर इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर मान लीजिए पी एटमॉस्फेयर है तो इसमें जनरली 2 एटमॉस्फेयर होता है। अगर इसमें बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन 5 डिग्री है तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन जनरली 10 डिग्री होता है। तो सारी क्वालिटेटिव वैल्यूज इसमें जो है वो इनसे डबल होती है। तो ऐसा क्यों है? तो उसका रीजन ये है कि क्वालिटेटिव वैल्यूज जो इस पर डिपेंड कर रही हैं कि मॉलिक्यूल्स के नंबर कितने हैं, इस पर डिपेंड नहीं कर रही हैं कि सॉल्यूट क्या है। जस्ट ग्लूकोज जो है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ग्लूकोज कोवेलेंट कंपाउंड है और ये आयनाइज नहीं होता है। देखिए NaCl ये आयनिक कंपाउंड है और ये वाटर में डिजॉल्व करने पर आयनाइज हो जाता है। अगर हमने NaCl को वाटर में डिजॉल्व किया तो इस तरह से इसके आयन्स बन जाते हैं। हमने एक मॉलिक्यूल डिजॉल्व किया उससे एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन। क्वालिटेटिव वैल्यूज के लिए जो काम मॉलिक्यूल्स का होता है भाई काम जो है वो आयन्स का होता है। हमने एक मॉलिक्यूल NaCl का डिजॉल्व किया तो सॉल्यूशन में जाके वो दो पार्टिकल बन जाते हैं। हमने 100 मॉलिक्यूल डिजॉल्व किए तो वो 200 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर रही हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाने के कारण NaCl के सॉल्यूशन में सारी क्वालिटेटिव वैल्यूज ग्लूकोज के सॉल्यूशन से, यूरिया के सॉल्यूशन से, सक्रोज के सॉल्यूशन से ज्यादा होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका ये मतलब निकला कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 एम NaCl सॉल्यूशन ग्रेटर देन 1 एम ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो पूछा जाए आपसे कि इसका क्या रीजन है? तो उसका रीजन ये हुआ कि ग्लूकोज कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनाइज नहीं होता। NaCl आयनिक कंपाउंड है, आयनाइज हो जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के पर डिपेंड नहीं कर रही, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही। तो पार्टिकल्स बढ़ गए इसलिए जो है क्वालिटेटिव वैल्यू बढ़ गई। जितने ज्यादा आयन्स बनेंगे, जितने ज्यादा आयनाइजेशन होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल उतने ही ज्यादा हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर और क्वालिटेटिव वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्मोटिक प्रेशर इन 1 एम AlCl3 सॉल्यूशन ग्रेटर देन 1 एम BaCl2 सॉल्यूशन ग्रेटर देन 1 एम NaCl सॉल्यूशन। NaCl में आयनाइज होकर दो पार्टिकल मिल रहे हैं, बेरियम क्लोराइड में 3 पार्टिकल मिलेंगे, एक बेरियम आयन 2 क्लोराइड आयन। AlCl3 के आयनाइजेशन से 4 पार्टिकल मिलेंगे, एक एल्युमिनियम आयन 3 क्लोराइड आयन। तो इसलिए AlCl3 सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हुआ देन दिस। सारी क्वालिटेटिव वैल्यू, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भी इसमें ज्यादा हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन भी इसमें ज्यादा हुआ, लाइक दैट। तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो अगर कोई सॉल्यूट आयनाइज हो जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, तब इसलिए क्वालिटेटिव वैल्यूज बढ़ जाती है थ्योरेटिकल वैल्यू से। इसी तरह से अगर कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने पर एसोसिएट हो जाए, पॉलीमराइज हो जाए, उसके कई मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो जाए और एक मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो सॉल्यूशन में कम हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम फिनॉल को बेंजीन में डिजॉल्व करते हैं, फिनॉल को जब हम बेंजीन में डिजॉल्व करें तो ये डाइमर में चेंज हो जाता है। डाइमर माने इसके दो मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाता है और इसके दो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होकर सिंगल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं। हमने 2 मॉलिक्यूल्स मिलाए तो बाद में 1 मॉलिक्यूल रह गया। हमने 100 मॉलिक्यूल मिलाए सॉल्यूशन में जाके 50 मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। हमने 1000 मॉलिक्यूल मिलाए तो बाद में 500 मॉलिक्यूल रह जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में कम हो जाएंगे, तब ऑब्जर्व क्वालिटेटिव वैल्यूज हमारी जो थ्योरी कह रही है उससे कम हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर द कॉलिगेटिव वैल्यूज। तो इस पर कुछ एक दो न्यूमेरिकल हो सकते हैं छोटे स्मॉल आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एक दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीख लें आप और फिर इसी के आगे नेक्स्ट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर ही कुछ और न्यूमेरिकल्स इसके कनेक्टेड और पढ़ाई आगे चलेगी। एक दो आज शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीखे। जैसे क्वेश्चन हो विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो मान लीजिए ऑप्शन है आपके वन एम ग्लूकोज सॉल्यूशन, वन एम एनएसीएल सॉल्यूशन, वन एम बीएसीएल टू सॉल्यूशन, वन एम एएलसीएल थ्री सॉल्यूशन। तो ये आयनाइज होता नहीं है, इससे दो पार्टिकल बनेंगे, दो आयन, इससे तीन आयन, इससे चार आयन, इसमें आयन ज्यादा बन रहा है, पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे सॉल्यूशन में। अगर इसमें बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 1 डिग्री इंक्रीज हो रहा है तो इसमें 2 डिग्री इंक्रीज होगा, इसमें 3 डिग्री इंक्रीज होगा, इसमें 4 डिग्री इंक्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा इस सॉल्यूशन का होगा। इसी तरह से मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से हो विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है। मान ली इसमें फ्रीजिंग पॉइंट 1 डिग्री कम हो तो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट 2 डिग्री कम हो जाएगा, इसमें 3 डिग्री कम हो जाएगा, इसमें 4 डिग्री कम हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम इसमें होगा। पूछा गया था विच विल हैव लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये आंसर होता है इसमें फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम, इसमें 1 डिग्री कम हो रहा है, सबसे कम इसमें कम हो रहा है, तो इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इस सॉल्यूशन का होगा। तो इस तरह से ये कॉलिगेटिव वैल्यूज पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन सीख सकते हैं। चलिए अब जो है वो बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।